हेलो बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक है वो SST है, सोशल साइंस। कौन सी क्लास की है ये? 7th क्लास की सोशल साइंस। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, जिसका हमारा चैप्टर 1 है द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का जो चैप्टर है मैंने आपको पढ़ाया था, इसमें मैंने बताया था कि हमारा इन्वायरमेंट क्या है, हमारे चारों ओर की चीज़ें क्या हैं, ये सारा कुछ। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या कर लिया था, देखो, इन्वायरमेंट पढ़ लिया था, इन्वायरमेंट के टाइप्स पढ़ लिए थे, फिजिकल और नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर अपन ने देखा था कि जो भी हमारी चीजें बनी हुई है वो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स ये बनी हुई है। ठीक है, नेचुरली जो अक्कर करती है, जिसमें बायोटिक और एबायोटिक होते हैं कॉम्पोनेंट हमारे। ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया था। उसके बाद में कॉम्पोनेंट ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट देख लिए थे, जिसके अंदर हमारे क्या थे, लिथोस्फियर थे, जो हमारा मतलब लैंड, जो जमीन है अपनी, वो हमारी लिथोस्फियर में आ जाती है। उसके बाद में जो हाइड्रोस्फियर, मतलब जो हमारा पानी है, जितना भी अर्थ पे पानी है ना, अर्थ पे पानी वाला जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फियर। और उसके बाद में आ जाते हैं एटमोस्फियर। एटमोस्फियर भी मैंने बता दिया था, मतलब जो चारों ओर हमारे हवा है, ठीक है, ऊपर तक ही फैली हुई है हवा, उस हवा को ही हम क्या बोलते हैं, एटमोस्फियर बोलते हैं। ठीक है, एटमोस्फेयर मैंने बताया था क्यों जरूरी है। देखो, एटमोस्फेयर हमारे लिए किस लिए जरूरी है, लिविंग थिंग्स के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, इन सब के लिए हमारा एटमोस्फेयर क्या है, जरूरी है। ये मैंने सब कुछ आपको करवा दिया था। अब देखते हैं अपा द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या है, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट हमारा क्या रहेगा, सबसे पहले इसमें आता है बायोस्फीयर और उसके बाद में आता है इकोसिस्टम। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट आप उसको बोलते हैं जो हमारे बायोलॉजिकली काम आए, मतलब किस तरीके से, कि जो हमारे जिंदा रहने के लिए काम आ रहा है, जो जो चीजें हमारे जिंदा रहने के लिए काम आ रही है वो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में होंगी। देखो क्या होता है, द बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड इज ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड एयर वाटर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ एंड इट्स वेरियस फॉर्म। देखो, हम बायोस्फीयर किसको बोलते हैं, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस जगह पर रह रहा है वहां पर अर्थ का कौन कौन सा हिस्सा, लैंड जो हमारी जमीन आती है, एयर जो हमारी हवा है, और वाटर जो हमारा पानी है, ये एक दूसरे के साथ मिलके और सपोर्ट लाइफ मतलब जीवन को बनाते हैं। जीवन को क्या करते हैं, बनाते हैं, जो जीने के लिए जो जिंदा चीजों की जरूरत है हमारे को उनके लिए देते हैं, एंड इट्स वेरियस फॉर्म और उसके अलग अलग टाइप्स को बना के और हमारे लिए जिंदा रहने का काम करवाएंगे, तो उसको हम क्या बोल देंगे, बायोस्फीयर बोल देंगे। इट इज, देखो, इट इज पॉपुलेटेड बाय प्लांट एंड एनिमल किंगडम। ये किसके द्वारा पॉपुलेटेड, मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन एक प्रकार से क्या है, कि प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम्स है। प्लांट्स के अंदर पेड़ पौधे आ जाएंगे हमारे, और एनिमल किंगडम के अंदर हम ह्यूमन बींग और जो हमारे पक्षी हैं, पशु है, ये सारे के सारे आ जाएंगे। एवरीथिंग हेयर इज कनेक्टेड एंड डिपेंडेंट ऑन इच अदर। अब अगर देखें हमारे यहाँ पर एवरीथिंग, यहाँ पर सारा कुछ जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ क्या करा है, जुड़ा हुआ है, और डिपेंडेंट ऑन इच अदर। डिपेंडेंट ऑन इच अदर का मतलब क्या है, एक दूसरे पे मतलब ये डिपेंडेंट है, जैसे डिपेंड करेंगे उस पर, निर्भर करेंगे। ठीक है, किस तरीके से, जैसे मान लो कि हमारे जो हमारे को किसकी जरूरत है, एनिमल्स की जरूरत है, क्योंकि दूध जो हमारे को है, लस्सी है, दही है, वो किससे मिल रहा है, एनिमल्स से मिल रहा है, और जो हमारा खाना है वो किससे मिल रहा है, हमारे को प्लांट से मिल रहा है, तो इसीलिए एक दूसरे पे ये सारे क्या है, डिपेंडेंट है। देखो, वी गेट प्रोडक्ट सच एज वुड, फ्रूट, गम, रेशन, लैक एंड हर्बल्स फ्रॉम फॉरेस्ट। देखो, हमारे को मतलब जंगल है, उनसे क्या क्या चीजें मिलती है, ये जो सारी की सारी चीजें हैं वो हमें किससे मिलती है, जंगलों से मिलती हैं, और ये सारी चीजें हमारे लिए जरूरत है। जैसे हमारे को लकड़ी की जरूरत नहीं होती, होती है जो फ्रूट, जैसे हमारे सेब, आम, केले, जो खाने पीने के लिए हमारे को जरूरत है। ठीक है, हर्बल इन्वायरमेंट, हर्बल्स जैसे जो हमारे को ठीक करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत है। ठीक है, गम, रबड़, तो ये सारी की सारी चीजें, जैसे अगर आप देखें हमारे को खाने के लिए कणक है, उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो किससे मिलेगी, प्लांट से मिलेगी। हमारे को जो हमारे लिए ऊन की जरूरत है, रुई होगी, ये सारी की सारी चीजें हमें किससे मिलती हैं, फॉरेस्ट और प्लांट से मिलती हैं। मैनी एनिमल एंड प्लांट, देखो, मैनी एनिमल एंड प्लांट हैव देयर नेचुरल शेल्टर एंड हैबिटेट इन द फॉरेस्ट। बहुत सारे जो एनिमल, पक्ष, ये अपने जो पशु है, और प्लांट्स जो हमारे क्या है, पेड़ पौधे हैं, उनके नेचुरल शेल्टर और हैबिटेट होते हैं फॉरेस्ट के अंदर, जंगलों के अंदर। जंगलों के अंदर कुछ जानवर रहते हैं ना, और जंगलों के अंदर पेड़ पौधे भी होते हैं, तो जहां पर जो चीज रह रही है उसी को हम बोलते हैं हैबिटेट और नेचुरल शेल्टर। नेचुरल शेल्टर मतलब क्या है, कि ये
जो चीजें खुद बनी हुई है उनके लिए, जिन्होंने बनाया नहीं है उसको हम बोलेंगे नेचुरल शेल्टर और हैबिटेट जहां पर वो रह रहे हैं, ठीक है। उसके भी देखो, फॉरेस्ट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज मॉइस्चर इनटू द एनवायरनमेंट थ्रू ट्रांसपिरेशन, दस हेल्पिंग टू मॉडरेट द टेम्परेचर ऑफ एरिया। देखो फॉरेस्ट क्या करता है, एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, क्योंकि हम सांस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं ना, और रिलीज मॉइस्चर, और मॉइस्चर को रिलीज करता है। जैसे ऑक्सीजन हमारे को किससे मिलती है, फॉरेस्ट के अंदर जो पेड़ पौधे हैं उन्हीं से तो मिलेगी, ठीक है, इन टू द इन्वायरमेंट, जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके अंदर थ्रू ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या रहेगा, हमारा जो एक प्रकार से सांस लेने का जो सिस्टम होता है उस तरीके के सिस्टम से, जिसके अंदर हमारे फॉरेस्ट से जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ रहे हैं वो तो ले लेंगे, और रिलीज मॉइस्चर जो हमारी ऑक्सीजन वगैरह होगी या वाटर वगैरह होगी उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। दस हेल्पिंग टू मॉडरेट द टेम्परेचर ऑफ एरिया, और ये जो चीजें हैं वो किस चीज में हेल्प करती है, हमारे को जो टेम्परेचर है, हमारा जो तापमान है उसको सही रखने का, ठीक रखने का काम करती है जो भी एरिया। फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड प्रोवाइड फूड टू मेनी एनिमल स्पीसीज। देखो जो हमारे जंगल है और जो हमारे घास के मैदान है, ग्रासलैंड जो घास के मैदान है वो खाना देते हैं किसको, बहुत सारे एनिमल को, जैसे हमारे जो गधे हो गए या और सारे जानवर हो गए, जेब्रा हो गए, ठीक है, ये सारे के सारे जानवर जो जंगलों में रहते हैं, तो उनको कहां से मिलता है खाना, उसको फॉरेस्ट और ग्रासलैंड से ही खाना मिलता है, ठीक है। ह्यूमन डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल फॉर फूड्स। अपा ह्यूमन जो है वो प्लांट्स पे, पेड़ पौधों पे और एनिमल पे, जो हमारे जानवर है उनसे हमारे को खाना मिलता है। एनिमल ऑल्सो कैरी देम एंड देयर लोड्स। देखो एनिमल और किस काम में आते हैं, हमारे, हमारा जो वजन है, हमारी जो चीजें हैं, अगर हम एक से दूसरी चीजें एक जगह पर दूसरी जगह पर लेके जाना है, उन चीजों को भी एक से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए क्या काम में आते हैं, हमारे एनिमल्स काम में आते हैं। जैसे अपने घरों में होती है ना ऊंट गाड़ी हो गई, ठीक है, तो वो एनिमल्स ही तो है जो अपना सामान इधर उधर लेके जाते हैं, तो ये सारी चीजें हमारी क्या आ जाएगी, ह्यूमंस के लिए काम में आ जाएगी। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो अपन यहाँ तक ही पढ़ेंगे, जिसके अंदर अपन ने क्या देखा है, देखो अपना जो चैप्टर कहाँ तक हो गया है, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट आज का ये करा है, ये सारा का सारा तुम्हें कॉपी पे लिखना है, और इसमें से जैसे जो मैंने तुम्हें वर्ड बताए हैं जिनकी हिंदी बताई है वो भी बाहर निकाल के और उनको लिखना है, ठीक है। जैसे प्लांट हो गए, पेड़ पौधे, बायोस्फीयर क्या होता है, ठीक है, एनिमल किंगडम क्या होता है, ये तुम्हें सारे के सारे लिखने हैं, इनमें से हैबिटेट क्या होता है मैंने तुम्हें सारे बताए हैं, तो इनको तुम्हें क्या करना है, बाहर निकाल के और लिखना है, ठीक है। ये आज का आपका तुम्हारा काम है बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। और इससे पहले का मैंने तुम्हें काम करने के लिए बोला था ये सारा, अगर तुमने नहीं करा है तो एक बार इसको राइट करना है सारे को, और इनमें से भी वर्ड्स निकालने हैं और लिखने हैं, क्या होता है फिजिकल, क्या होता है नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो यहाँ तक ही रहेगा। थैंक यू।